हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक और नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स का मेन काम है सबसे पहला डाटा कलेक्शन, और दूसरा काम है डाटा समराइजेशन एंड देन डाटा एनालिसिस। इतना क्लियर? तो सबसे पहले काम पे हम आज चर्चा करने वाले हैं डाटा कलेक्शन। तो देखिए, ये जो सीरीज है डाटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो जो सीरीज है जिस वे में हम कलेक्ट करते हैं, तो उसमें आता है एक इंडिविजुअल सीरीज, एक आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज और एक आता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज यानी कि रॉ फॉर्म ऑफ डाटा। रॉ फॉर्म, जैसे आप एक क्रिकेटर के लास्ट 10 स्कोर्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो, जैसे 90, 75, 85, 23, 14, 0, 0, 10, 15, ऐसे करके। तो ये एक इंडिविजुअली एक डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि प्रीवियस मैच में उसने 90 स्कोर किया, उससे प्रीवियस मैच में 75 स्कोर किया। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाता है रॉ फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जैसे कॉलेज या स्कूल में टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट के मार्क्स आप लिख दो 10 बच्चों के, जैसे 95, 98, 97, 96 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल डाटा है, ठीक है। तो ऐसे डाटा रॉ डाटा कहलाते हैं। अब देखिए, अब इसी में अगर हमें ये जानना है, मान लीजिए 95 दो बच्चों के हैं, तो यहाँ पे एक क्लास और दूसरी फ्रीक्वेंसी, तो 95 के नीचे 2, तो यहाँ क्लास भी और फ्रीक्वेंसी भी है, मीन्स 95 कितने लोगों के हैं, दो लोगों के हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इस फॉर्म में भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कंटिन्यूस सीरीज का। कंटिन्यूस सीरीज मीन्स, अब देखिए इसी को हम थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हम जान लें 90 से लेकर 95, इसके बीच में कितने बच्चे हैं, तो मीन्स यहाँ पे एक हमारे पास क्लास इंटरवल दिया रहेगा। इंटरवल कहने का मतलब एक रेंज के फॉर्म में क्लास गिवन होगी, 90 से लेकर 95 तक कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो मान लिए 5 बच्चे ने स्कोर किया आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन बिटवीन 90 to 95, और बाकी 5 मोर देन 95 वाले हैं, ठीक है। जैसे 95 से लेके 100, इसमें भी 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये एक रेंज में रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो अगर इस टाइप से अगर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो ये हमारे सीरीज कहलाते हैं कंटिन्यूस सीरीज। तो इस पूरे चैप्टर में आपको ये जो टाइप्स ऑफ सीरीज है ये बड़े अच्छे से दिमाग में रखना है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर करना है मीन, ठीक है। तो मीन ऑफ रॉ डाटा, हालांकि इससे क्वेश्चंस क्लास 10th में बनते नहीं है, लेकिन मेन जो है डाटा और सीरीज को समझाना जरूरी था, क्योंकि ये समझ गए तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो इसलिए ये लेक्चर बनाया गया है, ठीक है। बाकी 9th क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, मीन ऑफ किन किन का पढ़ना है, तो रॉ से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, हालांकि एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में। तो मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, ये ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रीट सीरीज क्लास और फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है, ये देख के समझना है, और इसी से आपको उसके स्टेप्स को भी दिमाग में रखने हैं कि कैसे हम मीन निकालेंगे, कैसे हम मीडियन निकालेंगे, कैसे हम मोड निकालेंगे। उसके बाद मीन ऑफ कंटिन्यूस
सीरीज। कंटिन्यूस में समझ गए कि ये जो है क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया रहेगा, ये लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड। तो एक रेंज के फॉर्म में, एक इंटरवल के फॉर्म में क्लास हमारे पास गिवन होगी। तो ये तीन टाइप का रिप्रेजेंटेशन है और ये सारे रिप्रेजेंटेशन आता है अंडर द डाटा कलेक्शन। और उसके बाद जो है डाटा समराइज किया जाता है और फिर डाटा एनालिसिस, उसका मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए, कौन से डाटा फ्रिक्वेंटली आ रहा है, उनका एवरेज क्या है, ठीक है, उनका मिड क्या है। तो यही चीज़ है मीन मीडियन मोड, ठीक है। मीन मीन्स एवरेज निकालना, मीडियन मीन्स हम ये देखते हैं कि मिड क्या है उस डाटा का, मोड मीन्स फ्रिक्वेंटली कौन से डाटा अकर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ डाटा एनालिसिस का पार्ट है। तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, किस वे में करते हैं। तो एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। अब ये समझ गए तो अब इनके एल्गोरिथम्स को समझना आसान हो जाएगा कि मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कैसे निकालें, मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज कैसे निकालें, मीन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज कैसे निकालें, इसी तरीके से मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, मीडियन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, इसी तरीके से मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, मोड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, मोड ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, उसके बाद ओ गिव। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहा है स्टैटिस्टिक्स का क्लास टेंथ के हिसाब से, इतना क्लियर। तो चलिए इसको हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। देखिए सबसे पहले मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कहने का मतलब, जैसे एक क्रिकेटर है, उसके लास्ट 5 इनिंग्स के स्कोर को आप ले लीजिए। मान लीजिए वो लास्ट 5 इनिंग्स में 40, 0, 80, 25, 50, ठीक है, इतने रन बनाए, तो उसका एवरेज स्कोर क्या रहा 5 इनिंग का, ये हमें फाइंड करना है, मीन्स मीन निकालना है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाएगा इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डाटा, ठीक है, ग्रुप नहीं किए, अनग्रुप्ड है। तो देखिए अनग्रुप मीन्स जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो, सिर्फ डाटा रॉ फॉर्म में गिवन हो, क्लियर। तो देखिए इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो देखिए लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन, अगर इतने एलिमेंट है तो सम ऑफ ऑल द टर्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये हमारा कहलाता है एवरेज और मीन। इट मीन्स एक्स वन प्लस एक्स टू, अगर एन नंबर है, प्लस एक्स एन अपॉन एन, ये हमारा कहलाएगा मीन। और मीन हमारा रिप्रेजेंट होता है एक्स बार सिंबल से। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, एक्स बार सम ऑफ ऑल द टर्म, तो 40 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 25 प्लस 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने इनिंग खेला है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा नहीं कि 0 आप काउंट ही नहीं कीजिए, वो मैच खेला है, डक पे आउट हुआ है, ठीक है, वो इंक्लूड होगा मैच, तो 5, तो अपॉन 5, गलती से 4 मत लिख दीजिएगा कि 0 आपने अलग कर दिया, ठीक है, वो मैच खेला ना, भले 0 पे आउट हुआ है। तो 40 प्लस 80 120 170 195 अपॉन 5, तो ये हो गया 5 3 15 45 5 9 45, तो मीन आ गया यहाँ पे 39। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हों। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, वहाँ से आपका क्लास टेंथ के टॉपिक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एंड आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हों। और ये चीज़ बड़े ध्यान से दिमाग में रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमें मीन देखना है, इन्हीं के ऊपर हमें मीडियन देखना है और इन्हीं के ऊपर हमें मोड देखना है और ओगिफ निकालना सीखना है। तो इतना ही टॉपिक्स है आपके क्लास टेंथ स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, थैंक यू।